नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। सभी को होली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। कलर से, रंगों से भरा हुआ ये त्यौहार है होली। तमाम प्रकार के तंत्र मंत्रों को काट देने का दिन है होली। घर में सुख, वैभव और ऐश्वर्य लाने का दिन है। वैसे होली के दिन दोस्तों आप कलर से खेलते हैं, एक दूसरे पर फूलों की होली खेलते हैं, गुलाल की होली खेलते हैं और एक दूसरे के घर जाकर के मिठाइयाँ खाते हैं, तमाम प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जिन लोगों से आपको कहीं पर भी डर हो कि नहीं ये व्यक्ति तंत्र मंत्र कर रहा है, तो आज के दिन उस व्यक्ति के घर जाकर के मीठा भोजन, स्पेशली व्हाइट कलर का मीठा भोजन बिल्कुल भी ना खाएं, ना ही चाय पिए, क्योंकि आज के दिन बड़े बड़े तंत्र मंत्र किए जाते हैं। कई तो ऐसे मंत्र हैं दोस्तों जो किन्नरों के द्वारा लोग तंत्र करवाते हैं और वो जो मंत्र काम करते हैं बहुत बहुत इस तरीके से काम करते हैं कि व्यक्ति लगभग लगभग जिसे चाहेंगे बर्बाद कर देंगे, जिसे चाहेंगे आबाद कर देंगे। और आज के ज़माने में तंत्र मंत्र का इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। कुछ लोग जिन्होंने छोटे मोटे मंत्र सिद्ध कर रखे हैं और तांत्रिक बन करके बैठे हैं पैसों की लालच में, जब उनके पास ऐसे लोग जाते हैं महाराज मुझे ऐसी चीज़ दे दो कि मैं उस व्यक्ति को बर्बाद कर दूँ, तो कुछ ऐसे विधर्मी लोग हैं, हाँ हिंदू धर्म में भी है, ऐसी चीज़ उनको, गलत व्यक्ति को ऐसी चीज़ दे देते हैं जो चीज़ ले जा करके वो सच में कितने ही लोगों का नाश कर देता है। कितने केसेस मेरे पास आते हैं, कितने लोग जिनका शत्रुओं के द्वारा पूरा पूरा परिवार नाश कर दिया गया, क्योंकि गलत इंसान के हाथ में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज के दिन सावधानियाँ भी रखें और बहुत अच्छे से आज के इस दिन को एन्जॉय करें। बार बार आपको बोलूँगी होली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। 24 मार्च को है होली का त्यौहार, दूसरे दिन मनाई जाएगी होली। और इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि चंद्र ग्रहण है आज के दिन। होली का, होली वाले दिन चंद्र ग्रहण दोपहर को पड़ रहे हैं, तो उस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा सावधान रखें। होली जब आप खेलेंगे तो जो कलर्स आप यूज़ करते हैं, चाहे फूलों से खेलें चाहे गुलाल से खेलें, कलर के मामले में मैं आपको बता दूं, आपका जो लकी कलर है, जैसे जिनकी जन्म तारीख 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, जिनका भी मूलांक 1 का है, वे लोग अगर लाल कलर से होली खेलते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहता है, उनके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में खुशियाँ आती है। जिनकी जन्म तारीख 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, मतलब जिनका भी मूलांक 2 का है, उनके लिए सफ़ेद कलर बहुत लकी रहता है। सफ़ेद कलर के गुलाल से अगर आप होली खेलेंगे तो आपके घर का ऐश्वर्य बढ़ेगा। जिनकी जन्म तारीख 3 है, 12 है, 21 है, ऐसे 21 है, 30 है, मतलब जो 1 से 31 तक के जो जन्म तारीखें हैं, 1 से 31 तक की तारीख में आप दोनों ही अंकों को, जिनकी सीधे सीधे 1 से 10 तक में आ जाती है उनका तो वही मूलांक है, 1 से 9 तक का मूलांक होता है, लेकिन जिनकी जन्म तारीख बीच की आती है, जैसे किसी की 22 है तो 2+2=4, जिसकी 31 आती है तो 3+1=4, जिसकी 29 है तो 2+9=11, 11 के बाद में 1+1=2। तो जब दो अंक आते हैं तो उन दोनों को जोड़े जब तक एक अंक नहीं आता है, जो एक अंक आ जाए वो आपका लकी अंक होता है। तो अगर आपका अंक 3 का है तो पीला कलर आपके लिए बहुत बेस्ट है, पीले कलर का आप यूज़ करें, किस्मत जोरदार चमकेगी। जिनकी जन्म तारीख 4 है, 13 है, 31 है, 22 है, ये तमाम लोग ब्लू या ब्लैक कलर का यूज़ करें, आपके लिए बहुत लकी रहेगा। जिनकी जन्म तारीख 5 है, 14 है, 23 है, ये लोग ग्रीन कलर का यूज करें, ग्रीन कलर आपके लिए बहुत लकी है। जिनकी जन्म तारीख 6 है, 15 है, 24 है, ये लोग लाल कलर का यूज करें। लाल कलर का यूज 6 के अंक वालों को भी करना है और जिनकी जन्म तारीख 9 है, 18 है, 27 है,
उन्हें भी लाल कलर का यूज करना है। ये दोनों ही मूलांक वाले, 6 मूलांक और 9 मूलांक के लोग अगर लाल कलर से होली खेलते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। जिनकी जन्म तारीख 7 है, 16 है या 25 है, ये लोग भी अगर ग्रीन कलर का यूज करते हैं या ग्रे कलर का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट रहेगा। कोई कलर ना मिले तो आप व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हैं। 8 जिनका जन्म तारीख है, वे लोग मतलब जिनकी जन्म तारीख 8 है, 17 है, 26 है, ये लोग ब्लू और ब्लैक कलर का यूज करें। ये तमाम जो कलर्स हैं आपके जन्म के अनुसार है, जन्म तारीख के अनुसार आपके लिए लकी है। इस कलर के अगर आप कपड़े पहनते हैं और होली खेलते हैं, अगर आप एवरीडे लाइफ में भी इन कलर्स का यूज करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। दूसरा जो कलर है येलो कलर, येलो कलर हर व्यक्ति के लिए, जैसे बताती हूँ पुखराज, पुखराज ये गुरु का स्टोन है, सिट्रिन का ब्रेसलेट हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए क्योंकि ये धर्म को बढ़ाता है, धन को बढ़ाता है, आपके अंदर ज्ञान बढ़ाता है। तो पुखराज जिसे सबको धारण करना चाहिए, ऐसे ही येलो कलर का कपड़ा भी हर व्यक्ति को पहनना चाहिए। और गुलाल, अगर आप येलो कलर के गुलाल से होली खेलेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, फिर उसका कोई भी मूलांक, येलो कलर इज बेस्ट फॉर एवरीवन। येलो कलर आपके भाग्य को चमकाता है। कोशिश करें येलो कलर के गुलाल से होली खेलें अगर आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी बढ़े। ये कलर सबके लिए बेस्ट है, तो बहुत बेस्ट रहेगा अगर आप लाइक भी कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को शेयर करें तो और भी ज्यादा बेस्ट रहेगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री कृष्ण लिखें और होली के त्योहार की सभी ढेरों 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 शुभकामनाएं। अगेन अगेन एंड अगेन जय श्री कृष्ण।